हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडुफेस चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस जो चल रहा है पैटर्न, अभी इसमें समास पढ़ रहे हैं। समास का एक वीडियो आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो आज उसका दूसरा पार्ट, समास में तत्पुरुष समास के विभक्ति प्रकरण, विभक्ति भेद उसका है तत्पुरुष का, तो और एक उपपद विभक्ति है। तो विभक्ति में हम लोग पढ़ रहे हैं, विभक्ति में द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, ये दो इसके पहले पार्ट में हो चुका है। आज समास का ये दूसरा वीडियो है, तो तत्पुरुष समास का ही आगे विभक्तियों को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम लोगों का है चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास में जो आप कारक प्रकरण में कारक पढ़े हैं, विभक्ति द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, अधिकरण कारक तक विभक्ति का है। क्या होता है इसमें कि कुछ शब्द होते हैं, उनके आधार पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से शब्द रहेंगे तो किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यही समझना हम लोगों को। और आप जानते हैं समास में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका, या आता है ये समस्त पद लिखें या विग्रह करें, विग्रह और समस्त पद, ठीक है, दो तरह के प्रश्न आते हैं। तो विग्रह दिया रहेगा उसका समस्त पद करना होता है, या समस्त पद दिया है उसका विग्रह करना होता है, पहले वीडियो में बताए हैं। और इसको विस्तार से समझने के लिए किस टाइप से आपका प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसके लिए आप जो टेस्ट चलेगा, टेस्ट सीरीज, उसको जरूर देखिएगा। उसमें टोटल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप खुद सॉल्व करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। जैसे तत्पुरुष समास है, तो मान लेते हैं इसका तीन वीडियो है, तीनों आप देखेंगे तब आपका तत्पुरुष समास क्लियर होगा। पहला वीडियो में हुआ है द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, अभी हम लोग चतुर्थी और पंचमी इसमें करने जा रहे हैं, फिर एक बचेगा षष्ठी और सप्तमी, वो अगले में। चूंकि टुकड़ा टुकड़ा करके देने का मकसद यह है कि आपका कंप्लीट हो, आप उसको समझे अच्छी तरह से और बोर ना हो आप, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में आ जाए टोटल तो फिर आप नहीं देख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष इसका है बलिहित सुख रक्षित, याद रख लेंगे, बलिहित सुख रक्षित, बलिहित सुख और रक्षित, ये चार हैं। अगर कहीं कोई समस्त पद दिया है उसमें ये चारों में से कोई आते हैं तो उसके पहले पद, जो प्रथम पद है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बलि, भूत बलि, ये क्या है, समस्त पद है और इसका विग्रह होगा भूताय बलि, ठीक है। भूत में जो प्रथम पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति, बालक की तरह बालकाय, तो चतुर्थी एक वचन, भूताय बलि मैंने भूत के लिए बलि, ठीक है। अब ये आपका एग्जाम में जैसे भूत बलि दिया है और चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, भूतेन बलि, भूताय बलि, भूतरात बलि, भूतस्य बलि, अब आप कंफ्यूज है कौन सही होगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि बलि है, कुछ भी कोई भी बलि लास्ट में है, तो उसके पहले हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ओके। हित, गो हितम, गवे हितम, गो शब्द है, शब्द रूप है, गो का गवे होता है चतुर्थी में, ठीक है ना, तो गवे हितम हो गया। सुख है गो सुखम, गवे सुखम, और रक्षित है गो रक्षितम भी लिख सकते हैं, या बाल रक्षितम, है ना, ब्राह्मण रक्षितम, जो भी है, इसमें चेंज करके भी आप, कोई जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन ये शब्द आपके रहेंगे, ये लास्ट में ये चारों में से कोई ना कोई शब्द रहेगा, तो उसमें आप चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अगला पद आपका चेंज हो सकता है, जैसे बाल रक्षितम है तो बालाय रक्षितम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चतुर्थी विभक्ति क्लियर हुआ तत्पुरुष का। अब देखते हैं पंचमी, तो पंचमी तत्पुरुष में आप जानते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसमें दो नियम है। पहला है भयार्थक, भय माने डर होता है, ठीक है, देखिए लास्ट में लिखिए डरना, जिससे हम डरते हैं किसी से, तो भी धातु से संबंधित शब्द होंगे, भय, भीता, भीति या भी, इनमें से कोई भी रहेगा तो उसके पहले हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पंचमी अर्थात बालक की तरह बालकात होता है, और स्त्रीलिंग में आ जाएंगे लता का, तो लता या बालिका या पंचमी। एग्जाम्पल इसका भय है तो चौर भयम हो गया समस्त पद, विग्रह क्या करेंगे,
चोरात भयम, चोरात पंचमी विभक्ति एक वचन, चोरात भयम मतलब चोर से डर। वैसे ही हिंदी इसका करेंगे तो का होगा, चोर का डर है ना, लेकिन का के लिए तो षष्ठी होता है संबंधे षष्ठी, श्या लगना चाहिए लेकिन श्या नहीं होगा। भित्रार्था नाम भय हेतु है ना, जहां अलग होते हैं वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अगर हम किसी से डरते हैं तो डर करके उससे अलग होंगे दूर होंगे तो वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भीत सर्प भीत मतलब सांप से डरता है, सर्पात भीत विग्रह हो गया ये, भीति प्रेत भीति, प्रेतात भीति, और लास्ट है आपका भी व्याघ्र भी, तो व्याघ्रात भी, सर्प भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्प में भीति ही आएगा, भी आ सकता है ठीक है, सिंह भी लिख सकते हैं, सिंहात भीत। इस तरह से भय वाले को हम लोग क्लियर किए कि जहां भी भय होगा उसमें पंचमी विभक्ति। अब इसके बाद हम लोगों का आगे इसको आप नोट कर लेंगे और समझेंगे, इसके बाद एक और है पंचमी का बी, उसको समझ लेते हैं इसके बाद ओके। में पंचमी तत्पुरुष में दूसरा पार्ट इसका जो बताए थे वो दूसरा पार्ट देखिए बी में, अपेता पूर्ण मुक्त पतित च्युत भ्रष्ट निर्गत, ठीक है ना, पतित च्युत भ्रष्ट निर्गत, ये पद अगर है तो वहां आपको पंचमी विभक्ति लगाना है पंचमी। जैसे अपेत देखिए सुखापेत समस्त पद है, सुखात अपेत अपोढ़ है कल्पना पोढ़, तो कल्पना देखिए आकारांत है लता पर होगा आकारांत आकारांत, कल्पना या अपोढ़ जैसे लता या होता है पंचमी। मुक्त बंधन मुक्त, तो विग्रह हो जाएगा बंधनात मुक्त, बंधन से मुक्त आजाद। पतित वृक्ष पतित समस्त पद, वृक्षात पतित इसका विग्रह हो गया वृक्षात पतित पेड़ से गिरा हुआ। च्युत च्युत मैंने गिरा हुआ होता है, पद च्युत पदात च्युत पद से गिरा हुआ, या पथ भ्रष्ट आगे आएगा भ्रष्ट, तो आचार भ्रष्ट आचारात भ्रष्ट आचार से भ्रष्टहीन ठीक है, पथ भ्रष्ट भी आ सकता है पथात भ्रष्ट पथ भ्रष्ट, और निर्गत गृह निर्गत गृहात निर्गत मतलब घर से निकला हुआ ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका पंचमी हो गया, षष्ठी और सप्तमी एक ये दोनों विभक्तियां अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी ठीक है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर आपका अव्यय भाव है और द्विगु है ठीक है, द्वंद सॉरी द्विगु नहीं द्वंद समास है। तो आज आप लोगों को तत्पुरुष समास में पंचमी विभक्ति पंचमी तत्पुरुष तक कंप्लीट किए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ओके।